अच्छा कन्हैया वृंदावन के बंदरों को लगता कुछ मंत्र दिए, इनको मक्खन तो मिलता नहीं तो फ्रूटी पीने के बड़े आदि हो गए। आप वृंदावन में चश्मा लगा के चले जाओ बस, या चश्मा जेब में भी रख के जाओ, जेब से निकाल लेते हैं। एक बार मैं जा रहा था बिहारी जी के पास, कन्हैया के हमारे भक्त लोग बैठे थे साथ में और चश्मा जेब में रखा था, समझ नहीं पाया कि बंदर कब आया चश्मा लेके चला गया। और बिस्कुट दो कुछ दो तो देती नहीं है, और जैसे फ्रूटी फेंके तो फ्रूटी लेते चश्मा गिरा दिया, और इतनी कलाकारी के साथ खोल के पी रहा था फ्रूटी कि आप भी नहीं पी पाओगे। पता नहीं कन्हैया कौन सा मंत्र दे दिया इनको। सोचे होंगे कि द्वापर में मक्खन मिलता था, कलयुग में मक्खन मिलने वाला नहीं, फ्रूटी मक्खन इसी को पियो। भगवान की बड़ी मधुर लीलाएं हैं। ताहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे, भगवान थोड़ी सी छाछ के लिए नाचे। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अखेद अभेद्य सुभेद बतावे। नारद से पुन व्यास पचिहार तो पुन पार न पावे, ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछी पे नाच रचा। एक गोपी सोचती है मैया को विश्वास तो होता नहीं, तो इस बार कन्हैया को बांधो। कन्हैया चोरी करने के लिए आए, कन्हैया को बांध ली, और बांधने के बाद दरवाजा लगा के गई बुलाने किसको, मैया को। आज मैया को पता लगे लाला जी कितने बड़े हरिश्चंद्र हैं। कन्हैया ने कहा ऐसा नाटक करूंगा दोबारा कोई नहीं बांधेगा। क्या नाटक कर दिए, ये बिचारी भोली भाली गोपी यशोदा मैया को लेके आई तो यशोदा को क्या दिखाई पड़ता कि गोपी का पति है। डांटने लगी, अरे दरिद्रा अपने पति को बांध रखी, कहती आपका लाला है। वो कहती आप क्या कैसे बोल रहे हैं, आपका लाला, कहती मेरा पति है। दोनों विवाद हो गया। कन्हैया ने सोचा जीत तो हमारे मैया की होनी चाहिए, प्रभु ऐसी माया की है कि एक क्षण के लिए गोपी को लगा मेरे पति है, कांप गई। हे भगवान ये क्या, मैं तो बांधी थी नंद के छोरा को, ये कहां से आ गया, कहां से आ गया ये। मैया के चरणों में लोट पोट गिड़वाई, मैया मुझे क्षमा कर दो। मैया ने कहा आज विश्वास हो गया, आप सब कसम मेरे लाला के पीछे पड़ी हो, आज मुझे पता चल गया। इसीलिए तो रसिकों ने बड़ा सुंदर इस पर गीत दिया है, मेरे कान्हा के पीछे मेरे कान्हा के पीछे पड़ गई कोई ग्वाले न मस्तानी, मेरे कान्हा के पीछे पड़ गई कोई ग्वाले न मस्तानी, कोई ग्वाले न मस्तानी एक बाल में दीवाने, एक बाल में दीवाने, मेरे लाला के मेरे काना के मेरे काना के पीछे पड़ गई मस्ताने, मेरे काना के पीछे पड़ गई एक बाल में मस्ताने। एक ग्वाले ने दीवाने, एक ग्वाले ने मस्ताने, एक ग्वाले ने दीवाने, मेरे लाला को मेरे काना को मेरे काना के पीछे पड़ गई पड़ गई।
आवे हे मेहताना के पीछे पड़ गई एक फलन दीवानी। अब 7 बज गए बाबा, अभी कट हो जाएगा। हमने आपसे कहा था ना कट वाली समस्या, कट वाला। आजकल चाय भी तो कट की पीते हैं लोग, बोले अब आपकी इच्छा है तो बस। अरे एक कप चाय, बोले कट चाय भी अब एक कट, ज्यादा नहीं पीना, कट हो जाए तो। कट वाली बात तो प्रचलन चल पड़ी कट की, तो कोई समस्या नहीं, तो हम भी आज कट मार लेते हैं। अच्छा लोग कोई कट भी मार देते हैं, गाड़ी चलाने वाले भी कट मार देते हैं, वो भी एक समस्या है। चाय भर में कट नहीं है, चाय में कट है, चलन में कट है। इसीलिए इस संसार में दुर्लभ नटखट है। क्यों? क्योंकि आपके चाय में कट है और चलन में कट है, तो कृष्ण के मिलने में भी अब ठीक है कि नहीं। तो इसमें कट न मारेंगे, अभी तो आपको समय आपके पास है। भगवान बालकृष्ण प्रभु ऐसी लीला की है। गोपी कांप गई, भगवान की बड़ी मधुर लीलाएं हैं। इसके बाद ब्रजरज का रसपान किए हैं। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारका कृष्ण अमृतम भक्षितवानिति मात्रे न्यवेदयन। माखन चोरी के बाद मृद भक्षण लीला। क्यों? ज्यादा चिकनाई हाथ में लग जाए तो उसको धुलाने छुड़ाने के लिए मिट्टी का सहारा लेना पड़ता है, बगैर मिट्टी के चिकनाई ज्यादा जाती। इस पर भी यही लीला किए हैं ये, पर उनकी लीला वही जाने क्या करना। हम लोग अपनी अपनी लीला जाने क्या करना, जिसकी जो लीला वही जाने। भगवान कृष्ण कि एक एक लीला का इतना गजब का राज है, इसके बाद ऐसा क्यों? और इसी को समझ ले तो हमारा जीवन समर जाएगा। मृदभक्षण की लीला की है। मैया को अपने मुख में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन करवाए हैं। उलूखल बंधन की भी लीला की है। यमलार्जुन का उद्धार करने के लिए भगवान हमेशा बंधन में आया है अपने भक्तों के कल्याण के लिए। यशोदा का बंधन स्वीकार किए थे यमलार्जुन का उद्धार करने के लिए। मैया दधिभाजन कर रही थी, कृष्ण को भूख लगी, दुग्धपान की जिद किए। मैया कन्हैया को दुग्धपान कराने लगी, दृष्टि हटी कन्हैया से, दूध के पात्र पर गई, वही समस्या हो गई। यमलार्जुन का प्रभु उद्धार किए हैं, बाबा के बंधन मुक्त किए। इसके बाद वहां से गोकुल से आगे की यात्रा का वर्णन है, वृंदावन की यात्रा का वर्णन। भगवान वृंदावन की यात्रा में सबसे पहले बछड़ा चराए हैं, वत्स चारण की लीला। बछड़ा चराए हैं, वत्स माने संकल्प, वत्स माने बछड़ा, गो माने इंद्रिय, गो माने गाय। भगवान कहते हैं अपनी इंद्रियों का मुख मेरी ओर कर लो, आपके संकल्प को पूर्ण करना मेरा कार्य है। वत्स चारण लीला के माध्यम से भगवान वत्स का सुर, बकासुर, अघासुर का उद्धार किए। हर गोपी चाहती थी कृष्ण का स्पर्श मिले, गाय चाहती थी कृष्ण को जीवा से चाटूं, भगवान ब्रह्मा के अंदर माया डाले, ब्रह्मा परीक्षा लेने का दुस्साहस किए। ग्वाल वालों से कहते हैं अपन प्रातः काल बैठकर गोष्ठी करेंगे। प्रातः काल आजकल ब्रेकफास्ट होता है ना, पहले कलेवा होता था, अब आजकल कौन सा ब्रेक लगाते हो, टू व्हीलर का कि फोर व्हीलर का कि हाईवा वाला, कौन सा? अब जो ब्रेक लगाते हैं मुझे, पहले कलेवा होता था। भगवान ने कहा प्रातः काल का कलेवा अपन घर में नहीं करेंगे, गोष्ठी करेंगे। भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के मध्य बैठे हैं, वहां कन्हैया जी 8 मुख के हुए हैं। आपको बताया पिछले बार विस्तार से, कृष्ण वहां 8 मुख के होकर प्रकट हुए थे। हर ग्वाल बाल को लगता है कन्हैया का मुख मेरी ओर है। ब्रह्मा जी बछड़ों को छिपाए, बाद में ग्वाल बालों को। भगवान एक रूप से ब्रह्मा, एक रूप से ग्वाल बाल बछड़ा बनकर ब्रह्मा के मोह की निवृत्ति किए।
ब्रह्मा ब्रजवास की प्रार्थना की, भगवान अपने स्वरूप का बोध कराए, गोपी ग्वाल बालों को समर्पित करते हैं। बलराम जी के द्वारा धेनुकासुर का प्रभु ने उद्धार करवाया है। इसके बाद कालीनाग का मान मर्दन है, यमुना के मध्य में कालीनाग। हमारा आपका जो हृदय है, यहां से कृष्ण निकाल दिए काम को, कामना रूपी नांग को, लेकिन भेज दिया रमणक द्वीप। रमणक द्वीप मतलब हमारा हाथ, और सारी समस्या इसी में है, सारा खेल यहीं से होता है। इसलिए कभी रमणक द्वीप से बचने के लिए भी कुछ उपाय कर लेना। भगवान कालीनाग का मान मर्दन किए हैं, यमुना से बाहर आते हैं, ब्रजवासी उनको पाके गदगद। वन में विश्राम किए, राक्षस लोग आग लगाए, भगवान दावानल का पान किए, प्रलंबासुर का वध, पुनः दावानल का पान। शरद ऋतु का वर्णन है, पत्ते हरे भरे होते हैं। इसके बाद वेणु गीत का प्रसंग है, भगवान कृष्ण की बांसुरी वृंदावन में कैसे बजी है। यमुना का पावन पुलिन है, वहां के जो वृक्ष है वो सब ऋषि महर्षि हैं। प्रायो बताम बिहिगा मनो वनेश्मिन, इस वन में जो ऋषि महर्षि हैं ये वृक्ष गुणलता पुष्प। कृष्ण के पास जो बांसुरी है, हमने आपको बताया था स्तुरी पत्नी संज्ञा के द्वारा दी गई थी। भगवान कृष्ण पीताम्बर धारण किए हैं, गले में वैजयंती माला है, अधरोष्ट पर बांसुरी। आइए एक मिनट के लिए कृष्ण की बांसुरी का आनंद लें। बांसुरी बजी, गाय घास चरना छोड़ देती है, बछड़े दुग्धपान कर रहे हैं, न ग्रास को अंदर कर पाते न बाहर, जो जिस अवस्था व्यवस्था में जैसे वही स्तब्ध रह जाते हैं। गोपियां कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए कात्यायनी मां की आराधना करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगी निधेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमः। कार्तिक मास में मां की आराधना। चीरहरण का मतलब हमारी आपकी बुद्धि के दो दोष हैं, वासना का गंदलापन, चंचलता की लहर, भगवान उसको दूर किए हैं। यज्ञ पत्नियों पर भगवान की कृपा। इसके बाद गिरिराज जी का प्रसंग है। अब मैं आप लोगों को सीधे गिरिराज जी के प्रसंग से जोड़ूंगा। आज जो 56 भोग का प्रसाद है, हमारे कन्हैया के भक्त सुनील जिंदल जी की ओर से है। व्यासपीठ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना उनके लिए। और 56 भोग के अलावा भी कई भोग यहाँ आते हैं,
यहां भक्तों में कंपटीशन रहता है भोग लगवाने का, बड़ी अच्छी बात है। कई जगह तो एक प्रसाद नहीं बट पाता, यहां तीन तीन चार चार पांच पांच बटते हैं। ये प्रसन्नता की बात है, यहां लोगों की भावना और लोगों के उत्साह का ये द्योतक है। इसमें हमारे सिकंदर लाल जी कोहली, सत्य प्रकाश जी गोयल और अनिता जिंदल, आपके तरफ से भी प्रसाद। तो सभी के लिए व्यासपीठ से बहुत बहुत मंगल कामना। अब आइए हम गिरिराज जी की सेवा में चलेंगे। गिरिराज जी की सेवा करने के लिए ध्यान रखें, आज की जो सेवा पूजा के यजमान है आगे वो खड़े हों, उनके परिवार के लोग, ठीक है ना, जैसा क्रम आप लोग बना रखें। उसके बाद फिर उसके पीछे हमारे समिति के जो मेंबर हैं वो खड़े हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर आगे जो सेवा पूजा में जो आज की सेवा जिनको मिली है आगे वो रहें, फिर उसके पीछे, इस क्रम से बना के इस व्यवस्था का आप सब लोग ध्यान रखेंगे। ब्रजवासी सब के सब इंद्रिया की तैयारी करते हैं, कन्हैया ने कहा ये किस यज्ञ की तैयारी हो रही, इंद्रिया की, कन्हैया ने कहा अरे बाबा इंद्र इतना अहंकारी कभी आया नहीं, तो इस बार अपन गोवर्धन की पूजा करेंगे, इंद्र के नहीं। गिरिराज जी तो दर्शन देंगे प्रत्यक्ष, जब कन्हैया गिरिराज जी के लिए प्रस्ताव रखे, ग्वाल वालों ने कहा बाबा कन्हैया की बात मान लो, लाला जब से आया समस्या तो बहुत आई लेकिन समाधान भी किया। गोपियों को पता लगा प्रातः काल गिरिराज जी की सेवा के लिए चलना है, 56 प्रकार का पकवान बनाए, गाड़ी छकड़ों भर के और सबके सब उछल कूद करते हुए गिरिराज जी की तलाटी की ओर जा रही हैं। यजमान लोग भी चल पड़े गिरिराज जी के लिए और भक्त लोग हमारे समिति के भाई लोग वो भी अपने अपने स्थान पर आराम से खड़े होंगे और क्या कहते हुए जा रहे हैं, चलो। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, हाय माने मेरे मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरे मनवा, नाय माने मेरे मनवा, अरे रे नाय माने प्यार कनवा, नाय माने मेरे मनवा, अरे रे नाय माने मेरे कनवा, नाय माने मेरे मनवा, अरे रे नाय माने प्यार कनवा, नाय माने मेरे मनवा, अरे रे नाय माने मेरे कनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरे मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरे मनवा। शेर की करूर कढ़ैया, शेर की करूर कढ़ैया, सात 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 शेर की करूर कढ़ैया, संतन मत संतन मत संतन न्यात जमाऊ मेरे वीर, नाय माने मेरे मनवा, मैं तो संतन न्यात जमाऊ मेरे वीर, नाय माने मेरे मनवा, हाँ नाय माने मेरे मनवा, अरे अरे नाय माने प्यार कनवा, नाय माने मेरे मनवा, अरे अरे नाय माने मेरे कनवा, मैं तो
गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरे मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरे मनवा चकलेश्वर के दर्शन करके 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 मत मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नहीं माने मेरे मंगला मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर माने मेरो मनवा अरे रे नाई माने प्यार कनवा नाई माने मेरो मनवा अरे रे नाई माने मेरो कनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाई माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को नाय माने प्यारो कनवा ब्रजवासी सबके सब उछल कूद करते पहुंचे हमारे प्रभु एक रूप से गिरिराज बन के प्रकट हो गए बोला गिरिराज जी महाराज की गिरिराज धारण की ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया आपके कारण दर्शन हुआ है आप ही सेवा पूजा करो हमारे प्रभु अपनी पूजा स्वयं करते हैं आगे का कार्य हमारे आचार्य प्रकाश जी और त्रिगी राकेश जी मिलकर संपादित करें सभी लोग जितने खड़े हैं हाथ जोड़ लें जरूरी नहीं हर किसी के पास कीर्ति श्री गोवर्धन नाथाय नमो नमः ध्यानार्थे पुष्पम निवेदयामि आसनार्थे पुष्पम निवेदयामि पाद्यादि विसंपूज्य आपो हिष्टा मयो भुवस्तान ऊर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे जो बहा शिव तमो रसतस्य भाजयते हनः उसतीरिव मातरः तस्मा अरंगमा बभोजस्सक्षया यजिन्वथा नारायण प्रियमनंगमदापहारं श्री वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं गंगोदकं तीर्थोदकं निवेदयामि वस्त्रं उवस्त्रं यज्ञोपवीतं परिधापयामि दुराचमनीयं जलं निवेदयामि स्नेहेन देहे तव चारुचन्द्र कस्तूरिका कुंकुम संकुलेन पाटेर पंके न तु निष्कलंके भालस्तले लेपन शोभनायो मल्ली भवा मौली गले तले च मालां विशालां तुलसी दलेन
सपुष्कराणाम सुमनोहराणाम मनोहराणाम उपसर्पयामि पुष्पाणि पुष्माल्यां प्रधापयामि सचंदन तुलसीदलं निवेदयामि सौभाग्य द्रव्यं च निवेदयामि श्री गोवर्धन नाथाय नमो नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकमिव बन्धनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सुगन्धितैलं इत्रं निवेदयामि श्री गोवर्धननाथाय नमो नमः। श्रीगिरिराजाय नमो नमः। भावता धूपं दीपं दर्शयामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसंपदां मम बुद्धि प्रकाशस्य दीपज्योति नमोस्तुते। आज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश स्त्रैलोक्यं स्थिमिरापहम्। भावता धूपं दीपं दर्शयामि आचमनीयं हस्तो प्रक्षाल्यो नैवेद्यम्। आइए हम लोग भोग लगाएं गिरिराज जी को। ये पर्दा खोल दें। सभी लोग पीछे हो जाएं, थोड़ा थोड़ा सभी लोग पीछे हो जाएं। जितने भक्त लोग खड़े हैं सब पीछे हो जाएं। इस प्रसाद के सब पीछे हो जाइए सभी लोग। संवाद बीच में नहीं होना चाहिए भाइयों का हमारे। थोड़ा मौन होके चले गिरिराज जी की सेवा अपना अपना स्थान देख कर। इस वस्त्र में हाथ लगा लें भाई लोग। थोड़ा थोड़ा वस्त्र को अपने चेहरे से नीचे कर लें, थोड़ा नीचे कर लें ताकि आप लोगों को चेहरा भी दिखता रहे कि कौन भोग लगा रहा है। इसीलिए वस्त्र इस बार लंबा है और हमारे आचार्य जी अब तुलसी हो गई है किनारे हो जाए। यहां जितने भक्त लोग खड़े हैं सभी की ओर से बड़े प्यार के साथ कैसे भोग लगाना है। श्याम रसिया घन श्याम रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया मेरे श्याम रसिया श्याम रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया मेरे श्याम रसिया घन श्याम रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया मेरे श्याम रसिया घन श्याम रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया ऐसा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी ऐसा भोग लगाओ मेरे प्रभु जी ऐसा भोग लगाओ मेरे श्याम जी ऐसा भोग लगाओ मेरे श्याम जी सब तब जाए रसिया जाए रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया मेरे श्याम रसिया श्याम रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया दुर्योधन घर मेवा त्यागो दुर्योधन घर दुर्योधन घर मेवा त्यागो दुर्योधन घर मेवा त्यागो साधु दुर
पायो रसिया मेरो श्याम रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया मेरो श्याम रसिया श्याम रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया सवरी के पेर सुदामा जी के तंडोला सवरी के पेर सुदामा सबरी के बेर सुदामा जी के तंडो सबरी के बेर सुदामा जी के तंडो प्रेमस भोग लगायो रसिया मेरो श्याम रसिया रुचि रुचि भोग लगायो रसिया मेरो श्याम रसिया श्याम रसिया रुचि रुचि भोग लगावो रसिया यशोदा भोग लगावे यशोदा भोग लगावे यशोदा भोग लगावे यशोदा भोग लगावे माखन दूसरी पाये रसिया मेरा श्याम रसिया लखाओ रसिया मेरो श्याम रसिया गन श्याम रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ। यजमान के अलावा बाकी सब लोग बैठ जाएं, आप बाकी सब बैठ जाएं, जो सेवा के यजमान है वो खड़े रहे, बाकी सब बैठ जाएं। भगवान को जब भोग लगाया गया, हमारे प्रभु नाटक किए, सारा पकवान खा गए। ग्वाल वालों ने कहा, यजमान इसलिए बोल दिया हूं, यजमान का मतलब कोई एक नहीं होता, समिति के जितने पदाधिकारी कार्यकर्ता सब यजमान हैं। भगवान गिरिराज जी ऐसा नाटक किए, सारा पकवान खा गए। ग्वाल वालों से कहते, देखो गिरिराज जी कितना प्रसन्न है, आंख बंद करके ध्यान करो। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया पता होता कि ये सब पालेंगे तो कुछ अपने लिए बचा के रखते। भगवान का ने कहा, आंख बंद करो। बोले, भूखे भजन न होए गोपाला रख लो अपनी कंठी। भगवान ने कहा, आंख तो बंद करो। ग्वाल वाल आंख बंद किए, पुनः पात्र पकवान से भर गए। इंद्र को आया आक्रोश, प्रलयकालीन मेघों को बुलाकर वर्षा करवाते हैं। ब्रजवासी घबराए, भगवान ने कहा, मां भस डरो मत। बाएं हाथ की अंगुली पर 7 कोस का पर्वत धारण किए, 7 दिन 7 रात्र अगस्त के द्वारा जल को भगवान ने ऐसी लीला किए कि मृत्युलोक में निशी जलाया नहीं। इंद्र का अहंकार चूर, ब्रह्मा के द्वारा पता लगा परमात्मा का अवतार हो चुका है। इंद्र की शरणागति, गिरिराज जी की स्थापना, इंद्र कामधेनु की पूंछ पकड़ करके आए। भगवान मुस्कुराने लगे। कामधेनु ने कहा, प्रभु मैं दुग्धाभिषेक करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, ठीक है, एक दूसरे को ऐसे हाथ लगा लीजिए, दूध की धार, दुग्ध की धार जब प्रवाहित होने लगी, धार चढ़ाना शुरू करी भाई, दूध की धार प्रवाहित होने लगी। भगवान ने कहा, देखो आज के बाद ये गिरिराज मेरा अपना स्वरूप है, जो दूध की धार चढ़ाएंगे, दुग्धाभिषेक करेंगे, परिक्रमा करेंगे, इनकी मैं वैसे रक्षा किया करूंगा जैसे ब्रजवासियों किया हूं। भगवान गिरिराज जी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, आप सबका मंगल कल्याण करें। आज की सेवा के यजमान मंच पर आ जाएं आरती के लिए, बाकी के लोग सामने खड़े रहें। भगवान ने कहा है कि जो आकर दूसरी धार चढ़ाएंगे, परिक्रमा करेंगे, उनको मैं उसी प्रकार से संभालूंगा, उन पर वैसी कृपा करूंगा जैसे ब्रजवासियों पर किया हूं। भगवान गिरिराज जी आज की सेवा के यजमान, समिति के यजमान, सभी पर भगवान की कृपा हो और आए हुए सभी भक्तों पर भगवान गिरिराज जी की कृपा हो। आइए आरती, आरती के लिए जो बोला गया उसका ध्यान रखें। समित के भाई लोग हमारे क्रम से बढ़ते जाएं, ऐसे के करके जय
भारत जाओ इधर तेरी आरत गाओ गिरधर तेरी आरत गाओ गिरधर तेरी आरत गाओ आरत गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ सोहे मोर मुकुट तेरे शीश सोहे यारी बंसी मेरो मान मोहे यारी बंसी मेरो मन मोहे देख छवि बलिहारी जाओ देख छवि गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों पे बलि बल जाओ उन चरणों पे बलि बल जाओ हे गिरधर तेरी आरत गाओ हे गिरधर तेरी आरत गाओ आप हो प्यास दास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे आप साथ हो सुख दुख जीवन प्यारे आप साथ हो चरणों पे बलि बल चरणों पे मैं बलि बल जाओ हे गिरधर तेरी आरत गाओ हे गिरधर तेरी आरत गाओ भानो दुलारी संगे पिसो
विश्वभान दुलारी ललिता विशाखा सखिया प्यारी ललिता विशाखा सखिया प्यारी पास सदा वृंदावन पाओ पास सदा वृंदावन पाओ माता पिता तुम्हें तुम्हें भी बंधु शिशिका तुम्हें तुम्हें भी विचारण तुम्हें तुम्हें भी शर्म मम देव देव चरण पड़े की लाज है तुम दव को जग दे कौन भुजा बदार के तुम चरण पे थे प्यावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवंदनं आरोग्यार्थे आत्मादिवंदनं हरिः ॐ जगनेन जगनमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः शन्ति देवाः योपां पुष्पं वेदा पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवति ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीगिरिराजः प्रचोदयात् नानासुगंध्य पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वरः मंत्रपुष्पाञ्जलिं निवेदयामि प्रणमामि नमस्करोमि श्रीकृष्णवाग्मय स्वरूपणे नमो नमः श्री गोवर्धन नाथाय नमो नमः जयकारा सभी लोग प्रेम से बोलेंगे बोले गिरिराज महाराज की श्रीमद्भागवत महापुराण की शंकर भगवान की राधा रानी सरकार की श्री हनुमान जी महाराज की आज के आनंद की सत्य सनातन धर्म की राम जन्म भूमि की कृष्ण जन्म भूमि की नमः पार्वती पदये हर हर महादेव।